साधु संग सर्व शस्त्र काय लोभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हाय। हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम इस्कॉन खन्ना की टीम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र धाम की जय। तो ये है हमारी लीडर जो हमें लीड करेंगी आज के धाम यात्रा में, गीता माता जी। हरी बोल हरी बोल। और ये बहुत अच्छी है और मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ये है शुभम प्रभु जी जो हमारे कीर्तन मंडली के सदस्य हैं। ये हमारे मृदंग मास्टर साहिल प्रभु जी। ये हमारे सबसे एनर्जेटिक मेंबर निखिल प्रभु जी। ये हमारे कौशल प्रभु जी। कौशल प्रभु जी आज क्या सर्विस करेंगे? कीर्तन में सभी सर्विस करेंगे, ठीक है। और बाकी आगे चुराग वगैरह। अब मुनारी ने अपना ब्लॉग मेरे को हैंड ओवर कर दिया और आप मैं अभी आपको बताता हूँ कि हम आए हैं इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस चंडीगढ़ में। और हमने पहले श्रृंगार आरती की, फिर हमने लेक्चर सुना और उसके बाद हमने प्रसादम लिया। ये गोविंदास है जहाँ पे किचन है। और आपने क्या खाया गोविंदास में प्रभु जी? तो आइए मैं आपको गोविंदास भी दिखाता हूँ। वैसे तो हमने कुछ नहीं खाया, हमने तो अपना डिलीशियस प्रसादम ही लिया है। और अगर आप कुछ भी खाना चाहते हो, आप कभी भी इस्कॉन चंडीगढ़ में विजिट करते हो तो गोविंदास में आप पेड़े जरूर खा के जाना, वो बहुत फेमस है। तो ये पार्किंग एरिया है और ये जो हमारा मेन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस का मंदिर है।
तो अभी हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र धाम की ओर, तो अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा होल्ड करके रखें। और सभी को कुछ बताना चाहती हूँ इनकी ओर से, हम सबको बहुत मजा आया आपकी दर्शन आरती में। और स्पेशली हम थैंक्स करते हैं गीता माता जी को जो हमारे लीडर्स हैं। पैसे नहीं थे इसलिए हम बीट बैग नहीं ले पाए, लेकिन तो कर दो। और इस बात का हरी बोल। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। तो अभी हम सब बस की ओर जा रहे हैं। हमने शुभम के बैग से हमने हैंड वॉश निकाल लिया है, और शुभम ये आपके हैंड वॉश हमारे पास है। हरी बोल, एक व्लॉग इधर भी चल रहा है यार, व्लॉग ही व्लॉग। और ये महक दीदी हमारे साथ जा रहे हैं, और इससे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है। चलो देखते हैं। और ये मोनाली है, और ये भी मुझे लगता है सेकंड टाइम आई है, सेकंड टाइम इस्कॉन चंडीगढ़, और सेकंड टाइम ही जा रही है इस्कॉन कुरुक्षेत्र। और इस्कॉन कुरुक्षेत्र तो मनाली आपको कैसा लगा जाके इस्कॉन चंडीगढ़? निखिल भैया मेरी तो फेवरेट जगह है इस्कॉन, चाहे कहीं भी ले जाओ, वृंदावन ले जाओ, चाहे मेरे को आप मथुरा ले जाओ, चाहे कहीं भी ले जाओ। और अभी मैं आपको सबको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे कॉटन कैंडी वाले हम उससे थोड़ा सा बात करते हैं इस्कॉन के बारे में। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसमें कृष्णा अपने भक्तों को ये कहते हैं कि वो कृष्णा का नाम, जैसे हमारा जो मेन मंत्र है वो बोलना है आपको, मेरे पीछे पीछे बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरी बोल हरी बोल। हरे कृष्णा हरी बोल। हरे कृष्णा वंस अगेन। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़, इस्कॉन चंडीगढ़ से ज्योतिसर धाम पर। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ज्योतिसर धाम की स्टार्टिंग से जो व्यू पॉइंट है। यहाँ पे पार्किंग एरिया है, आइए हमारे साथ चलिए। और मैं ज्योतिसर की खासियत आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया था। तो हम आपको वो पेड़ भी दिखाएंगे जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने खुद बैठकर श्री अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। आइए मेरे साथ। हरे कृष्णा एवरीवन। तो अभी हमने देखा था कि मैं आपको बाहर का ज्योतिसर का व्यू दिखा रहा था, तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ वो वट वृक्ष जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बैठ के श्री अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया था। तो चलिए आइए मेरे साथ। तो ये वो वट वृक्ष है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री अर्जुन को बैठ के भगवद गीता का ज्ञान दिया था। आप देख सकते हैं वट वृक्ष को। आइए हम आसपास के पर्यटन से आपको मिलाते हैं। आइए हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आप इस्कॉन टेम्पल पुरुषोत्तम दिल्ली से आए द्वारका इस्कॉन। जी 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 माता जी, जी आप इस्कॉन से कैसे जुड़े माता जी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना? मैं तो इस्कॉन, हम इस्कॉन ऐसे ही बस जाने लगे थे और वहाँ पे जाके कीर्तन सुनते थे। तो आपको कैसा लगा इस्कॉन से जुड़ के? बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, मतलब मैंने गीता भी पूरी कंप्लीट कर दी है पढ़ के। हरी बोल हरी बोल। भागवतम पहला स्कंद पढ़ रही हूँ मैं, सातवां अध्याय मेरा शुरू हुआ है। तो आप भी कार्तिक मास में घूमने आए? हाँ, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। जी माता जी हरे कृष्ण। तो अभी मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का सार बताने जा रहा हूँ। सर्वधर्म प्रत्यज मामे कम शरणम वज अहंता सर्व पापे ब्यो मिक्षमा शुचिचा। तो अभी मैं आपको इस ये पेड़ की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। और आइए सबसे सुंदर प्रतिभा की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। आप देख सकते हो ये सामने ये सरोवर भी बना हुआ है, और यहाँ पे हमारे साथ और भी इस्कॉन के भक्त हैं जो दिल्ली पंचकुला और कई तरफ से आए, बिकॉज कार्तिक मास चल रहा है जैसे कि आपको पता है, और आज लास्ट ये है कार्तिक मास का। तो आइए मैं आपको आगे भी लेके चलता हूँ, और हम आसपास के लोगों से भी बात करते हैं कि उनका इस जगह के बारे में क्या कहना है। आपका नेम क्या है? प्रशांत। प्रशांत कौन सी क्लास में आप? एट। तो आपको इस जगह की हिस्ट्री पता है?
अच्छा, इस जगह की हिस्ट्री क्या हो सकती है? आपने बाहर ज्योति सर के बारे में सुना, क्या हो सकती है हिस्ट्री पता है? यहाँ पे कृष्णा जी ने गीता का उपदेश दिया था। वेरी गुड, आपको पता है क्या? यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने गीता का उपदेश दिया था। क्या नेम है आपका? निहारिका। निहारिका, और आपका? प्रशांत। चलो मेरे साथ हरे कृष्णा महामंत्र बोलोगे? इधर आओ, इधर बैठो, आप भी मेरे साथ बोलना, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरि बोल, हरे कृष्णा माता जी। चलिए इसी तरह मैं आपको आगे का व्यू भी दिखाता हूँ, तो वो देख सकते हैं आप भगवान विष्णु की इतनी सुंदर प्रतिभा आगे है। तो आइए आपको दिखाते हैं, एक अंकल यहाँ की हिस्ट्री बता भी रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा सुनते हैं। ये उसी समय का पेड़ है जहाँ पे दोनों सेनाएं खड़ी हुई थी, यानी मध्यम सेंटर पॉइंट, रणभूमि का जो है ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन को गीता का संदेश सुनाया। जिस रथ के आप दर्शन करके आए हैं, अब तो ये मार्बल और पत्थर से बनाया गया, 20-30 साल से हम भी इसको यहाँ देख रहे हैं। मैं इसी गांव से हूँ, मेरा विलेज यही है, और भगवान के चरणों में मेरा जन्म हुआ है। जो ओरिजिनल रथ था, माता और बहनों, युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश लेकर के चले गए, तो अर्जुन को वहाँ घमंड हो गया था जा करके कि मैंने सभी को मार दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पार्थ उतरो रथ से। तो अर्जुन कहने लगे, नहीं भगवान पहले आप उतरो। ऊपर कौन बैठे हुए थे? हनुमान जी, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने ऊपर ले रखा था। ये सब बाद। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भगवान की बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा के पास। हम आपको दिखाते हैं भगवान की सुंदर सी प्रतिमा का व्यू। आप देख सकते हैं भगवान कितने ही सुंदर लग रहे हैं, और उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो भी आप देख सकते हैं। आओ हम एक बच्चे से पूछते हैं, क्या नेम है आपका? आरव। आरव, कहाँ से हो आरव? अम्बाला से। अम्बाला से, अच्छा। इस ज्योति सर की हिस्ट्री पता है आपको? नहीं पता? नहीं। अच्छा मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। अच्छा मेरे साथ महामंत्र बोलोगे आप? जी। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच। Thank you.
हरे हरे और हाँ डिवोटर्स, हमारे इस व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हरे कृष्णा। बहुत